सो हेलो फूडीज, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मार्जिना एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और इसीलिए आज हमने बनाई है खीर, जो कि 3-4 इंग्रेडिएंट से बन जाती है, बहुत ही इजी रेसिपी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे फुल फीड फुल क्रीम दूध लिया है, जिसको हमने पहले गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद में ये रूम टेम्परेचर पे हो गया है, मलाई आ गई है। अब हमने एक बर्तन लिया है, इसके अंदर हमने एक ग्लास पानी डाला है। पानी डालने के बाद में हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लीटर मिल्क ऐड करेंगे, बाकी का जो 2 लीटर दूध है हम वो बाद में ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद में हम इसमें एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आ रहा है तब तक हमने जो चावल थे खीर के उसको अच्छे तरीके से धो लिया है। चावल को हमने 2 से 3 घंटे तक भिगो के रखा था। दूध में भी एक उबाल आ चुका है। अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे गैस की और इसको इसी तरीके से कंसिस्टेंटली स्टिर करते हुए, इसी तरीके से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी हाफ नहीं हो जाती, मतलब 3 लीटर से 1.5 लीटर नहीं हो जाती। तो ये देखिए, यहाँ पर दूध की क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो चावल थे धोए हुए वो ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद में हम इसमें वापस में एक उबाल आने देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाने के बाद में जो बचा हुआ 2 लीटर दूध था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे बचा हुआ 2 लीटर दूध भी ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद में अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली चलाते हुए, जिस तरीके से मैं चला रही हूँ उसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। आफ्टर 8 to 10 मिनट्स हम यहाँ पर आधा कप बारीक कटे हुए बादाम, हाफ कप बारीक कटे हुए काजू, हाफ कप किशमिश और यहाँ पर हम 1/4 कप पिस्ता ऐड करेंगे। एक बार का मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे और दूध के अंदर ऐड करने के बाद में हमें दूध को वापस से 8 से 10 मिनट तक चलाते हुए पकाना है, ताकि जो चावल के दाने हैं वो अच्छी तरीके से टूट जाए। एक बार जैसे मैं खीर बना रही हूँ आप वैसे बनाकर ट्राई करिए। आपको किसी भी मावे की जरूरत नहीं है, आपकी खीर ऐसे ही बहुत टेस्टी बन सकती है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप बनाकर एक बार ट्राई जरूर करना। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट के बाद में जब ये खीर अच्छी तरीके से बन चुकी है, इसके बाद में हम इसके अंदर 2 कप चीनी का ऐड करेंगे। चीनी का ऐड करने के बाद में हम इसको 5 से 6 मिनट तक और चलाते हुए पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से और पक जाए। इसी तरीके से जैसे हम चलाते आ रहे हैं, इससे क्या होता है ना, चलाते हुए पकाने से जो हमारे चावल के दाने हैं वो अच्छे से टूट जाते हैं और खीर भी बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि जब हम मावा वगैरह बनाते हैं तब भी तो हम ऐसे ही चलाते हुए मावे को बनाते हैं, इसीलिए। ये देखिए, 5 से 6 मिनट के बाद में हमारी खीर जो है वो बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप देख सकते हो ये दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो हमने यहाँ पर एक बड़े से बाउल के अंदर खीर को सर्व कर लिया है। अब हम इस पर थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ में इसको गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी खीर बनके तैयार है। एक बार इसको जरूर बना के ट्राई करिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली अगेन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपने खीर बना के ट्राई करे तो कमेंट जरूर करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम यहाँ पर खीर को गुलाब जामुन और जलेबी के साथ में भी खाते हैं। आप बताना आप किसके साथ में खाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय दिस खीर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल।